तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्पीच डिलीवर अबाउट माई स्कूल माई स्कूल द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेस फ्रॉम यू व्हाट इज ए स्कूल A school is the temple of knowledge. A school is the temple of education. A school is the temple of peace and calm. यानी विद्यालय जो होता है ज्ञान का मंदिर है या शिक्षा का मंदिर है या peace and calm शांतिपूर्ण नहीं जगह का एक मंदिर यही सब ना है बहुत सारे डेफिनेशन देयर आर सो मेनी डेफिनेशन इन दिस वर्ल्ड इट इज डिपेंड अपॉन या इट डिपेंड्स अपॉन हाउ टू थिंक अबाउट दैट थिंग्स आप कैसे सोचते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू इमेज क्रिएट इमेज अगर हम विद्यालय के बारे में बोलने जा रहे हैं तो मेरे माइंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए उसे स्कूल का एक इमेज क्रिएट होना चाहिए टॉकिंग क्या होता है इमेजिनेशन सबसे पहले इमेजिन बच्चा जब जन्म लेता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता होगा सबसे पहले वो देखता है ऑब्जर्व करता है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व मेनी थिंग्स यही ना बच्चा करता है एंड आफ्टर दैट लिसनिंग उसके बाद वो क्या करता है सुनता है सुनने के बाद स्पीकिंग करता है स्पीकिंग के बाद क्या करता है रीडिंग करता है रीडिंग के बाद क्या करता है लास्ट में राइटिंग करता है यही तो प्रोसेस है चार प्रोसेस से बच्चे सीखते हैं आप जब मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं फोर व्हीलर चलाना सीखते हैं हाउ टू ड्राइव कैसे आप चलाते हैं इट्स सिंपल फंडा ओनली स्टार्ट अ बाइक एंड रन ऑन दी रोड आप चलाते हैं सड़क पे और कुछ करते हैं ये किताब खरीद लेते हैं हाँ ये है स्कूटी सीखे वाला किताब पढ़ा अच्छा स्कूटी में दो मिरर होता है देयर आर टू मिरर्स इन स्कूटी उसके बाद उसमें हैंडल होता है उसके बाद गियर होता है उसके बाद उसमें पैडल होता है क्या पूरे पर तो इंजन पड़ जाते हो उसमें एक चैन होता है उसमें टायर होता है इसमें फलनी होती है आप पूरा पढ़ लीजिए इतना पर स्पीड करके चलाएंगे तो ऐसे चलेगा इतना करेंगे ऐसे चलेगा रोड़ा रहेगा ऐसे मारेंगे मोड़ आएगा इतना पर रोकेंगे ब्रेक मारेंगे और आपको गाड़ी दे देते आप पूरा नॉलेज रखते विद्वान हो गए बिकॉज वो पार्ट का नॉलेज है लेकिन हम बाइक दे देता क्या करेगा वही ठोक दीजिएगा किसी को दीवार वाले मारेगा दीवाले में मारता है नया ड्राइवर से मतलब हंसता होता रोड के बगल कुदा देता है पोल में पोल सबसे फेवरेट है उसका पोल आप पोल में ठोका या पेड़ में ठोकेगा नहीं तो दूसरा मोर पर जाएगा एकदम हीरो लेखा मार एकदम सीधा उड़ेल ले गड्ढा उड़ा पर हाँ यही होता होता है ये होता लेकिन सोचो ठीक है अगर आप एक लफ्ज भी नहीं पढ़ते डोंट रीड अ सिंगल वर्ड या डोंट रीड मेरे आवाज पर ध्यान दीजिएगा मैं ट्रांसलेट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ आपके अंदर इंग्लिश को बसाने का काम कर रहा हूँ मैं तो चाहूँ तो आपको कुछ नहीं करवाऊ और बस क्वेश्चन आंसर आप बोलने लगेगा नहीं हाँ सिंपल बोलने लगेगा करेक्ट है लेकिन मैं आपके अंदर एक भर रहा हूँ बातें जिससे आप आसानी से सीखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि डोंट रीड अ सिंगल सेंटेंस अबाउट ए स्कूटी And if you have given, yeah, I have given you a scooty and start a scooty, I sit back seat. नहीं, मैं back seat पे बैठ जाता हूँ और आपको direction देता हूँ. आप दो दिन में चलाना क्या हो जाता है? How to drive, you learn, सीख जाते हैं. हाँ, controlling धीरे-धीरे आता है. Because practice, practice and practice. बाबू यही है फंडा. हर चीज का जीवन का भी फंडा ये है पहला दिन बोरिंग होगा दूसरा दिन मजा आएगा तीसरा दिन खूब मजा आएगा चौथा दिन इतना मजा आएगा कि जाने का मन नहीं करेगा तो आप क्या करिए सिंपल अगर आप चाहते कि अंग्रेजी बोले तो सिंपल इमेजिन सबसे पहले इमेजिनेशन पावर होना चाहिए माई स्कूल पर हम बोलने जा रहे हैं मेरे दिमाग में एक इमेजिन हो चुका है माई स्कूल मेरे स्कूल नजर आ रहा है मेरे दिमाग में सबसे पहले तो मैंने कहा व्हाट इज इंग्लिश सॉरी व्हाट इज ए स्कूल तो आप बताते हैं कि स्कूल इज द टेंपल ऑफ नॉलेज रटने की चीज नहीं है स्कूल इज द टेंपल ऑफ नॉलेज स्कूल इज द टेंपल ऑफ एजुकेशन स्कूल इज द टेंपल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज एक सांस्कृतिक क्रियाकलाप का एक मंदिर है सब वही है उसके बाद आप खुद सोचे अब स्कूल के बाद आपने डेफिनेशन दे दिया आप माइंड में आ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नहीं या थोड़ा सा बड़ाई कर देंगे नहीं
There are so many schools in this in the world. दुनिया में तो बहुत सारे स्कूल है, but one of the best school is my school. देखो कितना बेहतरीन स्टार्टिंग होती है, जब आपकी आवाज किस तरीके से लोग सुनेंगे दीवाने हो जाएंगे. नहीं, स्टार्टिंग देखो कितना सुंदर है. आप गाने के लिए आते हैं, सिंपल गाना शुरू कर देते हैं. गाना के पहले उसको भाव दो, दिल में बसाओ कि आखिर कौन सा गाना है. नहीं, समझ रहे बात को, भाव कैसे क्रिएट होगा ये समझना सबसे बड़ा. देखो बोल इंग्लिश सब लेता है, गाना सब गा लेता है, लेकिन जो लोगों के दिल में कौन बसता है, जो सामने वाले की बात कहता है. अगर मान लो कि हमको गाना है, कोई भी गाना है, चाहूंगा हरदम. अब सोचो आप आइएगा, चाहूंगा हरदम शुरू कर दीजिएगा, लोगों को क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा. आप कहिएगा, क्या कहिएगा कि दुनिया में जब आते हैं लोग तो किस तरीके से कुछ लोग होते हैं जिसके बिना उसका जीवन मुश्किल हो जाता है. मेरे भी जीवन में ऐसा घटना घटा. वह नहीं, अलग चीज है. आप ऐसे कभी लगना चाहिए सामने वाला कि हम मेरी बात कह रहा है, मैं उसको बहुत चाह. अब देखो ये बतवा बोलते हैं, कहता है क्लास में सर प्रेम पढ़ाई होता है कि स्पोकन पढ़ाई होता है, क्योंकि दिमाग उतने भगवान दिए, संकीर्ण विचार है, जुड़ नहीं पाता है लोग. ठीक है, तो आप जब उस भाव को दिखाते हैं तो आप क्या करते हैं, सामने वाला को लगता है तो मेरे कान तो सुन 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 नहीं. अब जैसे अताउल्लाह खा वाला गाना गाते हो, बेवफा नहीं, सैड सॉन्ग गाते हो, अब सैड सॉन्ग वाला मोमेंट नहीं आती है तो कैसे हो जाएगा. ढोल पीट देने से, गाना गा देने से क्या पॉपुलर हो जाएगा, कभी नहीं. तो स्पोकन के लिए भी थोड़ा सा कसमस करना पड़ता है. आप लोग क्या करते हैं, माय स्कूल शुरू हो गए, द नेम ऑफ माय स्कूल इज वो पब्लिक स्कूल, क्या हमको क्या मतलब है, कोई मतलब है हमको समझाओ ना कि स्कूल क्या है. स्कूल है तो क्या है, दुनिया में इसका क्या महत्व है, क्यों लोग स्कूल जाते, सब बताओगे तब ना हम जानेंगे. तो आप स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन से स्टार्ट होता है. स्कूल इज द टेंपल ऑफ नॉलेज, फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्कूल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कितने प्रकार के स्कूल होते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन दिस वर्ल्ड. सम स्कूल इज किंडरगार्टन स्कूल्स, द चिल्ड्रन वन हु बिलोंग टू 3 years, नहीं, हु स्टडी इन दैट सच काइंड ऑफ द स्कूल. जो 3 साल के बच्चे हो वो किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं, प्ले वे स्कूल बोलते हो जिसको. नहीं, छोटा बच्चा को वहां पे खेलने का अवसर दिया जाता है. नहीं, चिल्ड्रेन हैव गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्ले, बहुत सारे खेल खेल के माध्यम से वहां पे सिखाया जाता है. सम उसके बाद जब बच्चा 5 या 6 years का हो जाता है तो उसको प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है, प्राइमरी उसके बाद मिडिल में भेजा जाता है, हाई में भेजा जाता है, फिर आपका हायर स्कूल आ जाता है. यही ना टाइप्स है. तो आप सिंपल बोलेंगे कि देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ स्कूल इन दिस वर्ल्ड, बहुत तरह के स्कूल है दुनिया में, बट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इज माई स्कूल. लेकिन उनमें से सबसे अच्छा जो स्कूल है वो मेरा स्कूल. अब तुमसे तो क्वेश्चन पूछ लेगा भाई कि कैसे तुम्हारा स्कूल सबसे अच्छा था, नहीं बताओ हमको, पूछे कि नहीं पूछे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई, आप कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट माय स्कूल, एंड इन दिस वे यू विल नो अबाउट माय स्कूल. उसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि मेरा स्कूल कैसा है, हाउ इज माय स्कूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ माय स्कूल इज सांतपुर पब्लिक स्कूल. ओके, इट इज सिचुएटेड एट गाजीपुर इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इन इंडिया. ठीक है, ये हो गया. अब आपको थोड़ा सा बता देना, यू डोंट नो अबाउट गाजीपुर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू सम पॉइंट्स अबाउट गाजीपुर. नहीं, मैं सबसे पहले कुछ आपको बता दूंगा, बता देता हूं, नहीं, या बताने जा रहा हूं कि इफ यू रीच्ड, आप पहुंचते, इफ यू रीच एट गाजीपुर चौक द फोर रोड्स एट 90 degree, नहीं, एंड इफ यू वांट टू गो इन देसरी रोड, या देसरी रोड पकड़ लेंगे उसके जस्ट बगल में देखेंगे तो यह स्कूल दिखेगा. And the name of this school is Saint Pope School. अगर आपको नहीं पता, if you don't know, then you have a Google Map, search it, Google Map पे सर्च कर लो, पता चल जाएगा, चले आना.
मैं मिल जाऊंगा वहां पे, यही है ना। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, हुआ स्कूल के बारे में बताया। अब क्या कीजिएगा, अब बताया कि व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में क्या क्या भाई सुविधा है, हम कैसे क्या जाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट माई स्कूल। सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, वो है मेरे स्कूल के बारे में क्या है इंफॉर्मेशन। तो देयर आर 9 टीचर्स एंड 900 स्टूडेंट, सॉरी 30 टीचर्स एंड 900 स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। इस स्कूल में करीब करीब कितने 30 शिक्षक और 900 विद्यार्थी। एवरी स्टूडेंट आर वेल मेंटेन, सभी जो है बहुत वेल मेंटेन है, डिसिप्लिन है। टीचर्स एंड स्टूडेंट द रिलेशन बिटवीन, सुनो गौर से सुनो दुनिया वालों, सुनना ही स्पोकन है। मैं अपनी इतनी ऊर्जा क्यों खपत कर रहा हूँ, मैं तो लिखा दिया हूँ, ट्रांसलेट करते बुलवा देता, अगले इंस्टीट्यूट में जाके स्पोकन तो कुछ नहीं करेगा, लिखा देगा, कल आके बोलो यहाँ पे खड़ा हो जाओ, कुछ नहीं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू टॉक। अब बात कहाँ पे थी, बात कहाँ चली गई। अब द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर सो नाइस, बहुत अच्छा है। We cannot imagine such kind of the behavior another school, दूसरे स्कूल में सभी अगर नहीं दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इंटर इन दिस स्कूल, बच्चे जब प्रवेश करते हैं इस स्कूल में एंड क्या करते हैं, तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स करते हैं, क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। हाउ टू ग्रीटिंग्स, तो ग्रीटिंग करते हैं तो टच द फीट ऑफ द गुरु, अपने गुरु का पैर को छूते हैं। ओके एंड आफ्टर दैट इंटर द स्कूल एंड से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फ्रेंड्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ दिस स्कूल। उस स्कूल के जितने भी मेंबर है, उस स्कूल के जितने भी आपके उसके दोस्त हैं, सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। दोपहर होता है तो गुड आफ्टरनून बोलता है, शाम होता है तो गुड इवनिंग बोलता है, जाने उसके बाद जाने के वक्त में हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग बोलता है, रात में रहता नहीं है, बाय बाय करता है। प्रेम भरा माहौल है, इट इज द फुल ऑफ लव, पूरा प्रेम से भरा हुआ माहौल है। देयर आर सो मेनी प्लांट्स इन दिस स्कूल, बहुत सारे प्लांट्स है, सम प्लांट्स आर रिलेटेड टू फ्लावर्स, कुछ फूलों से संबंधित है, सम आर रिलेटेड टू मैंगो, या बोल सकते हैं सम आर मैंगो ट्रीज, सम आर तुलसी ट्रीज, सम आर रोज ट्रीज, यही सब ना होगा, सम आर बस पूरा खानदान उल्टा जाएगा। अभी तो प्रवेश की हो, प्रवेश के बाद आप बताएंगे क्लास के बारे में, बताएंगे कि देयर आर अबाउट 40 क्लासरूम्स, नहीं देयर आर अबाउट 40 क्लासरूम एंड एवरी क्लासरूम इज डिजिटल क्लासरूम, सभी जो डिजिटल है। डिजिटल का मतलब क्या होता है, वाईफाई व्यवस्था है, वाईफाई लगा हुआ है उसमें, नहीं बच्चे पूरा वहां पे क्या करते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं। हम लोगों का तो है नहीं डिजिटल बोर्ड, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हैं। कैसे बनाएंगे, एवरी स्टूडेंट रीड्स, ठीक है, इन द सोर्स ऑफ डिजिटल बोर्ड के स्रोत से पढ़ते हैं, कंप्लीट है। उसके बाद इट हैज माने स्कूल के पास, इट हैज गुड फैसिलिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के पानी का भी अच्छा व्यवस्था है। इट हैज पांच हैंड पंप्स है एंड वन मोटर इज ऑल्सो, इट हैज मोटर का भी व्यवस्था है, टैंक का भी व्यवस्था है, नहीं यदि कह सकते हैं। उसके बाद इट हैज प्ले ग्राउंड टू प्ले, खेलने के लिए देखो इट हैज क्यों बोले, क्योंकि इसके पास है, इट हैज प्लेग्राउंड। और क्या है, बोल सकते हो कि प्रेयर हॉल है, इट हैज प्रेयर हॉल, प्रार्थना का भी रूम है, स्टाफ रूम भी है, इट हैज स्टाफ रूम, इट हैज इट इज एक्स्ट्रा ऑफिस भी इसके पास है। सब तो बोल रहे, कुछ बोलना है इसमें, बोल के दे आर मेनी बेंचेस एंड डेस्क्स एंड स्कूल है, बोल सकते हो इट हैज एक्सेप्ट टीचर के अलावे बहुत सारे वहां पे नर्सेस भी है, डॉक्टर्स भी है, ताकि बच्चे को कुछ होता है, इट हैपेंस समथिंग एनी चिल्ड्रेन
देन केयरिंग, तो क्या होता है उसका देखभाल किया जाता है, उसके लिए नर्स रखा गया, डॉक्टर रखा गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सब तरह के नंबर का व्यवस्था वहां पे चार्ट लगा हुआ है हमारे इलाके के सारे थाने का। नहीं, उसके बाद और क्या है आपके स्कूल में? बहुत चीज है, अगर बोलना शुरू करोगे। लेकिन मास्क कंपलसरी बोल दीजिए, बिना मास्क के आएगा 10 रुपया फाइन। मास्क लगा के रहना है, किसी दिन कोई मांग या देखने भी प्रशासन तो लगना चाहिए, पूरा प्रॉपर गाइडलाइन है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करते हैं क्लास के बाद, तो 4 दिन बंदे कर दे। ठीक ना सर, इसीलिए उधर सब ओके। तो नाउ नोटिस इज इन दिस, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये टॉपिक ऐसा है जिस पर आप जितना चाहो वो, लेकिन बोलोगे तब। तो हम चाहते हैं कि आप में से कोई आए और आपसे स्कूल के बारे में पूछ जाएगा। अब आपसे जब पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। आपसे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले डेफिनेशन, नहीं आप पहले क्वेश्चन क्या कीजिएगा बच्चा से, स्कूल के बारे में, व्हाट इज स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन क्या आएगा, अबाउट स्कूल। अब अबाउट स्कूल में बात करेंगे, अबाउट स्कूल की बात करना है तो बताएंगे कि देयर आर, ओ यहां तो बोल रहे जस्ट, तो अबाउट स्कूल तरीका बता रहे, सुनो। अबाउट स्कूल में आपको लेगा कि देयर आर मेनी स्कूल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में तो बहुत स्कूल है, बट माय स्कूल इज द बेस्ट स्कूल इन दिस एरिया, लेकिन इस एरिया का सबसे अच्छा का बेस्ट होता है। नहीं तो अबाउट स्कूल बोलेंगे, जब ये भी कंप्लीट होगा तो स्कूल का आप क्या बता दे, ऐसे इसमें आ जाएगा सब, नेम बता दीजिए। आपने नेम पूछ लिया, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। बाबू सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपने स्कूल के नाम पूछ लिया, यही ना पूछ, नाम पूछ लिया तो क्या पूछेगा अब यहाँ, हाउ मेनी लगेगा, हाउ मेनी टीचर्स, नहीं हाउ मेनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर देयर, यानी वहां पे कितने शिक्षक और कितने स्टूडेंट्स है, ये ना क्वेश्चन करें। अब यहां से क्वेश्चन एक और आएगा, व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफ, व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है बता दो हमें, क्या क्या है तो आप बताएंगे ना। देयर आर मेनी बेंचेस, देयर आर मेनी टैंक्स, देयर आर मेनी हैंड पंप्स, देयर इज अ प्ले ग्राउंड, ये सब ना बोलेंगे आप। ओके, व्हाट इज अ स्कूल, अबाउट ए स्कूल, अबाउट स्कूल मान बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा इंट्रो देंगे कि देयर आर मेनी स्कूल्स इन दिस वर्ल्ड बट वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इज माय स्कूल, द नेम ऑफ माय स्कूल इज फलना। क्या तो आप स्कूल पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझ रहे हैं, क्वेश्चन पता चला। इसके पहले कि मैं क्वेश्चन डाउन क्यों रहा हूं, आप हमें स्कूल से रिलेटेड देखो, दो क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी, इसके बाद प्लुरल का प्रयोग कीजिएगा, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर देयर का प्रयोग कर सकते नहीं, और आप ज्यादा क्वेश्चन तो इसी पर रहेगा, और फैसिलिटीज पर आपका क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले हम लोग इस पर 10 क्वेश्चन खुद बनाएंगे। अभी जब क्वेश्चन बन जाएगा तो पूछने में आसानी हो जाएगा, दो ही क्वेश्चन ज्यादा रहता है, हाउ मेनी का प्रयोग कर लेना, हाउ जैसे हम बोले कि कितने विद्यार्थी हैं आपके स्कूल में, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, ये इंपॉर्टेंट है, आर देयर, आर को आ पढ़ते हैं, देयर को देया पढ़ते हैं, आर को आ पढ़ते हैं और देयर को क्या पढ़ते हैं, देया पढ़ते हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने, अब योर को हम बता दिए, सिंपल पढ़ना चल रहा है, आप देखो वॉवेल के बाद अगर आर आता है तो उसका साउंड आधा हो जाता है, योर ना पढ़ते, यो पढ़ते हो आप लोग, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने, यही ना क्वेश्चन आ सकता है, तो हाउ मेनी का क्वेश्चन ज्यादा आएगा। लेकिन तब इसके पहले कि आप क्वेश्चन बनाए, आप दिमाग में स्कूल को लाइए,
पहले क्या रही? उस दिन तुम देख रहे थे एहसान जब गाना गा रहा था, आँख को बंद कर लेता। क्यों बंद किया? क्यों बंद किया? वो इमेजिन कर रहा था उस चीज को। देखना अच्छे अच्छे गायक जो होते अपने आँख को बंद कर लेते, देख लेना। बड़े बड़े गायक जब होंगे तो अपनी आंखों को बंद इसीलिए कर लेते हैं ताकि बाहरी चीजें उसको डिस्टर्ब ना करें। अब ऐसा नहीं कि आप बतियाए को सुना बंद करके बतियाए, ऐसा मत करिएगा। लेकिन जब एकदम बिल्कुल ध्यान लगाना होता तो लोग आंख बंद करके वो कल्पना करता है कि यहाँ पे दो ही कल्पना होती है। खाली रूम में है तो कल्पना करता पूरा खचा खच भरा हुआ है लोग, और जब लोगों के भीड़ में रहते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ। दो ही चीजें आपको महान बना सकती है। एक तो विवेकानंद ऐसे व्यक्ति थे जो अपने स्पीच दे बहुत लजालू थे, तो मकई के खेत में जाके भाषण, मकई के समझते थे कि सब जनता है, खूब बोलते थे। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता तो कैसे बनाता हूँ, अभी ना आप है, लेकिन क्या आप हमेशा मैं वीडियो बनाता तो कोई तो नहीं रहता, क्लास ऐसे खाली रहती है, मैं वहां पे रहता हूँ, स्क्रीन रहता है सामने, कैसे बनाता? मैं क्या कल्पना करता हूँ, मेरा दिमाग में चलता है कि ये पूरा दुनिया देख रहा है। तो क्या ऐसे तुम बोल पाओ? मान लो हम ये अभी हटा दोगे ना वीडियो और तुम लोग क्लास खाली हो जाओ, क्या मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ा पाऊंगा? पांच क्वेश्चन रहेगा कि बस मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा, मुझे भरल क्लास है। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा स्थिति आ गया इसमें पांच गो रह चाहे दो गो रह चाहे एक गो रह चाहे खाली रहे, मैं पढ़ते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी इमेजिनेशन पावर देखती है, मैं किसी स्टूडेंट को यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरे दुनिया को पढ़ा, रियल में पढ़ा रहा हूँ, पूरा दुनिया देखती है ना। अमेरिको में चले जाओगे लर्नर आइज वाई वीआरपी खोजोगे, मिल जाएगा। धरती के किसी भी कोना में जाकर और इस चैनल को खोजोगे लर्नर आइज वाई वीआरपी, कहीं भी मिल जाएगा। कोई रोक देगा इसको? कोई रोकेगा? हो ऐसे जैसे हमसे जिसको दुश्मनी है, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर है वो उस अगर मेरा वीडियो ऐसे हम देंगे या रखेगा तो मोबाइल में से डिलीट मार देगा ना, मार देगा। लेकिन अब कौन डिलीट मारेगा? वो दुश्मनों के यहाँ बचता है, दोस्तों के यहाँ बचता है, जेकरा नफरत वगैरह मजबूरी में सुनना पड़ता है, उड़ा तो सकता नहीं, मोबाइल छोड़ दो तभी उड़ता है, तभी ना उड़ता फिर आ जाता। तो यहाँ पे सोचो अभी तो शुरुआत है नहीं, तो एक दिन आएगा। तो लर्नर आइज वाई वीआरपी अगर आपके पास मोबाइल है तो इसमें है मोबाइल है, तो इसमें एस लिखेगा बेसिक स्पोकन लिखेगा, ठीक है? जैसे आप बेसिक स्पोकन इंग्लिश लिखेगा पार्ट वन से देखिएगा, पार्ट वन लगाइएगा यहाँ पे लर्नर आइज वाई वीआरपी कीजिएगा आ जाएगा। अब सिंपल सिंपल है, ज्यादा बेहतरीन वीडियो नहीं बनती है, जो क्लास में वैसा ही बनाया गया, उसमें तो थोड़ा सा देखने में मजा आता है, क्योंकि मैं कटिंग नहीं करता हूं तो मजा आता है। क्यों मजा आता है? आप घर पर भी देखेंगे तो लगेगा कि हम क्लास में बैठे कटिंग होती है। तो चलिए आज का सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ जिसमें आप जानेंगे स्कूल पर कैसे बच्चे अपना स्पीच डिलीवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।